बच्चों, आज हम आपको कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन में बेसिक एजुकेशन स्कीम के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसे बुनियादी शिक्षा योजना भी कहा जाता है। 1937 में गांधी जी ने इसका सूत्रपात किया। बुनियादी शिक्षा योजना 1937 या इसे वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है, ये भारतीय शिक्षा के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये पहली ऐसी योजना थी जिसमें केवल भारतीय लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए सोचा गया या बात कही गई। गांधी जी भारतीय बच्चों को दी जा रही प्राथमिक शिक्षा से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने उस समय की प्राथमिक शिक्षा में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की बात कही। गांधी जी भारतीयों को इस प्रकार की शिक्षा देना चाहते थे जिसमें उनके ज्ञान की वृद्धि के साथ साथ उन्हें कुछ लाभ भी प्राप्त हो। गांधी जी इसके संबंध में हरिजन पत्रिका में अपने विचार प्रकट करते हुए उन्होंने लिखा, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे व मनुष्य के भीतर जो कुछ भी है उन सभी को बाहर निकालना है। शरीर में, मस्तिष्क में तथा आत्मा में जो भी ज्ञान है उसको विकसित करना, उसे बाहर निकालना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। 1935 ईस्वी में भारत सरकार एक्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लागू हुआ, परिणाम स्वरूप 1937 में कई प्रांतों में कांग्रेस की सरकार आई, जिससे कि इस योजना को पूर्ण रूपरेखा तैयार करके इस योजना को कार्य रूप देने का अवसर प्राप्त हुआ। परंतु निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए सरकार के पास बजट की कमी थी, इतना पैसा नहीं था। दूसरी ओर सरकार लोगों पर टैक्स का बोझ भी नहीं डालना चाहती थी। गांधी जी ने इस समस्या के समाधान के लिए एक योजना बनाई कि जिससे कि धन की कमी के कारण शिक्षा को ना रोका जाए। उन्होंने निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा तथा सामूहिक जो प्रारंभिक शिक्षा थी उसका समय 7 वर्ष के लिए निश्चित करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों को किसी हस्तशिल्प के कार्य के बारे में जानकारी देकर उनका उत्पादन करवाया जाए, जिससे कि वो आत्मनिर्भर हो सकें और शिक्षा के उद्देश्यों की भी पूर्ति की जा सके। इसके लिए वर्धा शिक्षा सम्मेलन जो 22 तथा 23 अक्टूबर 1937 को वर्धा राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय कार्यकर्ता डॉक्टर जाकिर हुसैन जैसे शिक्षा शास्त्रियों के साथ साथ कई प्रांतों के शिक्षा मंत्रियों ने भी भाग लिया। सम्मेलन में कुछ प्रस्ताव पारित किए गए जिसमें निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, यानी सम्मेलन में महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए इस प्रस्ताव को पास किया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर 7 वर्ष के लिए सभी विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। शिक्षा का माध्यम निर्धारित किया कि शिक्षा का जो माध्यम है वो मातृभाषा ही होना चाहिए। हस्त उद्योग की बात कही गई कि जहाँ तक संभव हो सके ऐसी योजनाएं लागू की जाएं, ऐसा करिकुलम तैयार किया जाए जिसमें विद्यार्थियों से कुछ हाथ से करवाया जा सके, यानी बच्चे के को ऐसे वातावरण प्रदान किया जाए, ऐसे उसके वातावरण को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की शिक्षा दी जाए जिससे कि विद्यार्थी हस्त उद्योग के योग्य बन सके। शिक्षकों के वेतन पर बात की गई। सम्मेलन में ये आशा व्यक्त की गई
कि प्रारंभिक शिक्षा की योजना धीरे धीरे शिक्षकों के वेतन को पूर्ण करने में योग्य हो जाएगी। इस प्रकार से उस सम्मेलन में जो वर्धा शिक्षा सम्मेलन था, राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन वर्धा में हुआ, उसमें ये चार प्रस्ताव पास हुए: निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, शिक्षा का माध्यम, हस्तोद्योग और शिक्षकों का वेतन। इसके बाद जो वर्धा शिक्षा योजना थी, इसमें इसको लागू करने के जो अवसर थे वो प्रदान हुए, क्योंकि इससे पहले जब 1938 में जाकिर हुसैन समिति का जो गठन हुआ, हुसैन समिति ने भी अपनी दो रिपोर्ट प्रस्तुत की 1937 में और 1938 में। जो प्रथम जाकिर हुसैन समिति की जो रिपोर्ट थी बुनियादी शिक्षा के संबंध में रही, जिसमें शिक्षा के मूल सिद्धांत, इसके उद्देश्य, प्रशिक्षण व्यवस्था, विद्यालय संगठन, प्रशासन, निरीक्षण तथा अन्य महत्वपूर्ण जो हस्तकलाएं हैं जिसमें कताई बुनाई आदि का कार्य होता है, उसके बारे में विस्तार से योजना तैयार की गई। जाकिर हुसैन समिति की दूसरी रिपोर्ट के अंतर्गत जो 1938 में प्रस्तुत की गई, उसमें कृषि, धातु, धातु कार्य, लकड़ी कार्य तथा अन्य जो बुनियादी हस्तकलाओं के बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तीसरा था इस योजना को स्वीकृति प्रदान करना, इसे महात्मा गांधी द्वारा स्वीकार किया गया तथा मार्च 1938 ईस्वी में इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन में पेश किया गया। कांग्रेस ने रिपोर्ट को बिना किसी शर्त के ही स्वीकार कर लिया। तो वर्धा शिक्षा योजना को लागू करने के उचित अवसर देखते ही इसको लागू किया गया। लेकिन अब बात आती है कि वर्धा शिक्षा योजना की आवश्यकता क्या रही, वर्धा शिक्षा योजना या बुनियादी शिक्षा क्यों दी गई, जिसमें पुरातन भारतीय संस्कृति पर आधारित शिक्षा भारतीयों को दी जाए। यानी शिक्षा योजना थी जो, यह शिक्षा योजना थी जो बुनियादी शिक्षा योजना, ये पुरातन भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर आधारित है। जन्मजात क्षमताओं को उभारना या उनको विकसित करना, यानी बच्चे की जितनी भी जन्मजात जो क्षमताएं हैं उनका उपयोग किया जाए, उनको विकसित किया जाए, प्रारंभिक आवश्यकताओं से संबंधित है। बच्चे की प्रारंभिक आवश्यकता तथा रुचियों को ध्यान में रखते हुए इस योजना को तैयार किया गया। ये प्रारंभिक कार्यों से संबंधित है, क्योंकि इसका लोगों ने प्रारंभिक कार्यों के साथ ही गहरा इसका संबंध रहा है। बेसिक या बुनियादी से भाव है, जो जड़ से, मूल से या बिल्कुल प्रारंभिक से बुनियाद जहां पर बच्चे की शिक्षा के क्षेत्र में रखी जाती है, वहां पर ही उसकी शिक्षा व्यवस्था को इतना मजबूत कर दिया जाए कि वो आगे चलकर एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने आप को नेतृत्व कर सके, देश का नेतृत्व कर सके और अच्छा नागरिक साबित हो। कम से कम शिक्षा का स्तर यानी बुनियादी शिक्षा योजना में कम स्तर रखा गया, क्योंकि कम से कम शिक्षा का स्तर जो निर्धारित करती है, जिससे प्रत्येक भारतीय बच्चा बिना किसी जाति, नस्ल, रंग भेद आदि के शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करता है, अवसरों का अधिकार रखता है। प्राथमिक अवस्था में बुनियादी शिक्षा योजना है, क्योंकि शिक्षा में, क्योंकि समय के कम से कम ये यानी क्रम से ये पहले आता है, अर्थात ये शिक्षा की एक बड़ी प्रारंभिक अवस्था है। क्रम में जो पहले आती है वो प्रारंभिक है, यानी उपरोक्त जो बताए गए जो उदाहरण हैं, उपरोक्त बताए गए जो आधार हैं, उससे कहा जा सकता है कि बुनियादी शिक्षा योजना में बच्चों के अंदर ज्ञान का संचार कर उनके जीवन की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करना है। इसलिए वर्धा शिक्षा योजना को बुनियादी शिक्षा योजना कहा गया।
वर्धा शिक्षा योजना के लिए उत्तरदायी कारणों की चर्चा हम करते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना, प्रचलित शिक्षा प्रणाली का दोषपूर्ण होना, ज्ञान प्रदान करना, व्यावसायिक शिक्षा देना, सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण और सभ्यता संस्कृति की शिक्षा देना, और सर्वव्यापकता की जो समस्या है उसका समाधान करना, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना, और एक गांधी जी के स्वप्न के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। ये गांधी जी का सपना था, क्योंकि भारतीय लोगों उनका सपना था कि भारतीय लोगों की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें उन्हें ज्ञान के साथ साथ कुछ सीखने या कुछ करके सीखने के अवसर भी प्रदान हों, जिससे विद्यार्थी अपने भविष्य के लिए तैयार हो सकें। गांधी जी का ये स्वप्न उस समय पूरा हुआ जब 1937 में विभिन्न प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। तो वर्धा शिक्षा योजना या बुनियादी शिक्षा योजना के अब हम उद्देश्यों पर चर्चा करते हैं। पहला था बुनियादी जो योग्यताएं हैं उनको बाहर निकालना, आर्थिक उद्देश्य थे, क्योंकि अर्थ की कमी थी, धन की कमी थी, तो सभी भारतीयों को शिक्षा नहीं दी जा रही थी, तो सभी भारतीयों की पहुंच में शिक्षा को लेकर आना, शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, ये इस उद्देश्य से भी जो बुनियादी शिक्षा थी वो लागू की गई। आदर्श नागरिकों का निर्माण करना, क्योंकि वर्तमान शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है, इसलिए उस समय कि अच्छे नागरिक का निर्माण कैसे होगा, उसमें जो अच्छे गुण हैं वो कैसे विकसित होंगे, ये बुनियादी शिक्षा योजना के आधार पर ही किया जा सकता है। चरित्र निर्माण करना, विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना, सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण के लिए भी बुनियादी शिक्षा योजना लागू की गई, इस उद्देश्य को लेकर भी लागू की गई। आत्मनिर्भरता का उद्देश्य कि जब कुछ हस्तकला से संबंधित विद्यार्थियों को कुछ करवाया जाएगा, सिखाया जाएगा, तो विद्यार्थी हस्तकला से संबंधित सीखेंगे और वो अपना जो आत्मनिर्भर है वो बनेंगे, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होंगे। सामाजिक गतिशीलता भी बुनियादी शिक्षा योजना का उद्देश्य रहा, क्योंकि शहरों तथा गांवों के बीच में जो संबंध हैं वो सुदृढ़ स्थापित होंगे। इसके अतिरिक्त जो समाज में फैल रही जितनी भी बुराइयां हैं उनको समाप्त करने में सहायता मिलेगी। उनका मानना था कि गांवों में इसकी प्रगति होगी, गांवों में जो इससे बहुत ही खुशहाली आएगी, और जो ग्रामीण अंचल में रहने वाले जो लोग हैं वो भी अपना कुछ हस्तकला सीखकर कुछ करने के योग्य हो जाएंगे। जो मेन इसका मोटिव था, मेन जो उद्देश्य था वो था सर्वोदय। सर्वोदय होता है सब का उदय, यानी अनिवार्य शिक्षा की हम बात कर रहे हैं। सर्वोदय से भाव है कि जहाँ सबके मन में ज्ञान का प्रकाश हो, सबकी आत्माओं का शुद्धिकरण हो। जब सूर्य उदय होता है तो उसमें सारे जाग जाते हैं, तो सबका जागना, ज्ञान की प्राप्ति करना, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य ही सर्वोदय था। अर्थात जाति, नस्ल, रंग, लिंग, धर्म, राष्ट्रीयता आदि भावनाओं से ऊपर उठकर समाज की रचना करना और सभी एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार करें, शांतिपूर्ण रहें, ऐसा उनका सपना था और ये शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता था। ये थे बच्चों इसके कुछ उद्देश्य। वर्धा शिक्षा योजना की यदि हम विशेषताओं की बात करते हैं, जिसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई, इसमें हस्तकला केंद्रित शिक्षा रही, मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, क्रियाओं द्वारा शिक्षा देने की बात कही गई, जीवन से संबंधित शिक्षा या जीवन से जोड़कर शिक्षा को देखा गया, अहिंसा का पालन पर जोर दिया गया, आत्मनिर्भर विद्यार्थियों को बनाने की बात कही गई, ग्रामीण विद्यालयों को इसमें अधिक महत्व दिया गया, जो हिंदुस्तान की अन्य जो भाषाएँ थी, चाहे वो उर्दू थी, चाहे वो हिंदी थी, इनको भी विकसित करने की बात कही गई, व्यवहारिक ज्ञान विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रदान किया जाने लगा। मनोवैज्ञानिक आधार पर हम कह सकते हैं
कि शिक्षा के लिए बच्चे पर कोई दबाव नहीं था, बच्चा जो कुछ भी सीखना चाहता था उसकी इच्छा पर ही निर्भर करता था। ये मनोवैज्ञानिक आधार भी शिक्षा में शामिल किया गया, क्योंकि इससे पहले विद्यार्थियों पर शिक्षा थोप दी जाती थी, विद्यार्थी की रुचि और आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता था। इससे विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार ही अपने कार्य को चुनने लगे। इससे बेरोजगारी की समाप्ति होना और शिक्षा का विद्यार्थी केंद्रित होना और सर्वोदय, ये थी इसकी कुछ विशेषताएँ। वर्धा शिक्षा योजना में यदि हम कैरिकुलम या पाठ्यक्रम की बात करते हैं, बुनियादी हस्तकला से संबंधित पाठ्यक्रम रखा गया, मातृभाषा में शिक्षा दी जाने लगी, विद्यार्थियों को गणितीय ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संगीत और कला और चित्रकारी आदि प्रदान की जाने लगी, और जो अध्यापक प्रशिक्षण शुरू किया गया, गृह विज्ञान आदि रखे गए। तो शिक्षक प्रशिक्षण की बात, हस्तकला विधि की बात, इसमें वर्धा शिक्षा योजना में ये सब कुछ शामिल किया गया। अब हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि वर्धा शिक्षा योजना के हमारी भारतीय भाषा शिक्षा पद्धति पर क्या प्रभाव पड़े। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू हो गई, राष्ट्रीय शिक्षा का एक करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार हुआ, समानता आधारित शिक्षा हुई यानी किसी के भेदभाव नहीं किया गया, लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर शिक्षा हुई, राष्ट्रवाद और धर्म निरपेक्ष शिक्षा दी जाने लगी, सत्य और अहिंसा का पाठ शिक्षा में पढ़ाया जाने लगा, भारतीय भाषाओं को महत्व दिया गया, शिक्षक प्रशिक्षण लागू हुआ, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा व्यवस्था लागू हुई और सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा लागू हुई। अब जहाँ किसी के कुछ गुण होते हैं वहीं पे कुछ दोष भी होते हैं। वर्धा शिक्षा योजना में कुछ कमियाँ भी देखने को मिलती हैं, जिससे कि शहरी लोगों को इसका अधिक लाभ नहीं हुआ, क्योंकि ये पूरी योजना ग्रामीण क्षेत्र को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। इससे जो शहरी क्षेत्र में रहने वाले जो लोग थे, बच्चे थे, उनको इतना अधिक लाभ नहीं हुआ। ये मनोवैज्ञानिक इतने नहीं हैं, क्योंकि अधिकांश जो पक्ष हैं वो मनोवैज्ञानिक नहीं थे, इसमें हस्तकला पर ही अधिक जोर दिया गया जो अमनोवैज्ञानिक है। हस्तकला और साधारण शिक्षा में कोई संबंध नहीं, क्योंकि जिसके लिए पीरियड अलग किए गए, जो शिक्षा योजना थी वो पूर्ण रूप से विफल रही, क्योंकि केवल हस्तकला के ही पर ही दबाव दिया जाने लगा। इसके अलावा जो भौतिक, जीव या वनस्पति विज्ञान आदि थे उनकी उपेक्षा की गई या उनको इतना महत्व नहीं दिया गया। सभ्यता और संस्कृति की ओर इसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया। जो समय सारणी थी वो दोषपूर्ण रही, क्योंकि अन्य विषयों को कम समय देना और हस्त शिल्प कला को अधिक समय देना ये अनुचित साबित हुआ। दो वर्ग अस्तित्व में आए, जहाँ पर ग्रामीण और शहरी जो थे विद्यार्थी, जो क्योंकि शहर के जो बच्चे थे वो अंग्रेज़ी को पढ़ना पसंद करते थे, इसका परिणाम ये निकला कि गांवों और शहरों के मध्य में काफ़ी अंतर बढ़ गया। अमीर और गरीब दो वर्गों का अस्तित्व हुआ, जिससे आगे चलकर व्यापक प्रभाव दिखाई देता है। आधुनिक समय में कोई भूमिका नहीं रही, कच्चे माल की बर्बादी हुई, क्योंकि विद्यार्थी छोटे विद्यार्थी थे, जो कच्चा माल उनको दिया गया तैयार माल करने के लिए, उन्होंने कच्चे माल को भी बर्बाद कर दिया, जिससे कच्चा माल जो है वो बर्बाद हो गया। अब निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि 1937 में आरंभ की गई, धीरे धीरे विकास किया गया, 1947 तक चलती रही, स्वतंत्रता के पश्चात इस शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा घोषित किया गया, शिक्षकों की पूर्ति के लिए बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय खोले गए, सरकार की ओर से बुनियादी शिक्षा के प्रचार व प्रसार में व्यापक रूप से सहायता प्रदान की गई, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके विकास में अहम भूमिका निभाने की कोशिश की, परंतु ये विद्यालय लंबे समय तक अपना अस्तित्व बनाए नहीं रख सके। इसके पीछे कई कारण उत्तरदायी हैं। योजना में कुछ कमियां होना, जैसे कि हस्तशिल्प पर अधिक जोर दिया गया तथा अन्य जो विषय थे, अन्य जो
सब्जेक्ट्स थे उनकी अनदेखी, उनको नज़रअंदाज किया गया। इसके अतिरिक्त भारत की स्वतंत्रता के पश्चात औद्योगिक और प्रौद्योगिक विकास हुआ, जिसके कारण उत्पादन में वृद्धि हुई। उत्पादन के बढ़ने से बुनियादी विद्यालयों का महत्व अपने आप ही समाप्त हो गया। इस प्रकार से बुनियादी या बेसिक शिक्षा योजना जो महात्मा गांधी जी ने भारतीयों के लिए चलाई थी या भारतीयों के लिए महात्मा गांधी जी की देन थी, वो अपना अस्तित्व अधिक समय तक बनाए रखने में सफल नहीं हो पाई। तो बच्चों, ये आज हमने किया बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन या वर्धा शिक्षा योजना के नाम से जिसको हम जानते हैं, या 1937 में लागू की जाने वाली महात्मा गांधी जी के शिक्षा प्रयास के बारे में भी हम इसे जानते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।